हेलो दोस्तों, SR इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज देखेंगे दोस्तों कि इस हैवेल्स का जो टेबल फ़ैन है दोस्तों, इस टेबल फ़ैन को किस तरह से हम रिपेयर करेंगे दोस्तों, कि इसमें स्लो रनिंग की इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको पहले सबसे पहले ये देखिए, इस पेच को इसको हम खोल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से दोस्तों। इस पेच को खोल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस तरह से इसको ढीला कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से उसके बाद में इसका जाली को बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये इसका जाली को देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा गंदा हो चुका है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से, जो कि काफ़ी दिनों से खुल के बाद में खुल रहा है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से पूरी तरह से गंदा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको गंदा को साफ़ करने में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको तो हमें पानी से ही धोना पड़ेगा दोस्तों, इसको तभी जाके ये पूरा क्लीन होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको साइड में रख देते हैं, पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि किस तरह से इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, उसके बाद में इसको रिपेयर करके बाद में वॉश कर लेंगे दोस्तों। कस्टमर को दे देंगे, वॉश कर लेगा इसको खोल के। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी बहुत सारा इसमें डस्ट, ये देखिए दोस्तों जाला बैठा हुआ है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सारा इसमें डस्ट धूल वगैरह जम के ये हो गया है दोस्तों। हमें काम करने में बहुत ही ये लग रहा है दोस्तों, इस क्योंकि इसमें बहुत ही गंदा है दोस्तों। लेकिन पहले इसका फॉल्ट फाउंडिंग को देख लेते हैं कि किस तरह से फॉल्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस तरह से हो रहा है, इसको प्रॉब्लम को दिखा दे रहा हूं आपको। जो कस्टमर ने कहा कि इस फैन में बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, इस तरह से देखिए। तो इसको मैं बटन को ऑन करता हूं, देखिए ये एक नंबर है, एक नंबर में देखिए दोस्तों, इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये गूँ गूँ करके इस तरह से धीरे धीरे हल्का हल्का सा रनिंग में ये ला रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं, ये देखिए दोस्तों, इसका बटन को मैं दूसरे नंबर पे सेट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दूसरा वाला स्पीड को मैंने बटन को प्रेस किया तो ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का राउंडिंग करने का रेडी हो रहा है जैसे है, देखिए। चलो दोस्तों, मैं तीसरा वाला बटन को प्रेस कर लेता हूँ जो हाई स्पीड का होता है। देखिए दोस्तों, फिर भी ये पंखा, ये देखिए इतनी धीरे धीरे ये राउंडिंग करने लग रहा है। देखिए चलिए दोस्तों, इसको हाथ को थोड़े से घुमा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फिर भी ये नहीं चल रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पहले ऑफ कर लेते हैं, देखते हैं इसमें जाम तो नहीं हो गया जो धूल डस्ट वगैरह के वजह से। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इतना भी जाम नहीं है कि ये फैन आपका रनिंग नहीं हो पाएगा जैसा, ये फ्री है दोस्तों। ये देखिए, आप हाथ से घुमाने से फिर भी फ्री घूम रहा है दोस्तों, ये देखिए। तो ऐसा क्या समस्या बन गया जो इस, ये देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से जो 3 स्पीड में है दोस्तों, ये देखिए इसी तरह से ही इसका मूविंग हो रहा है दोस्तों, इससे ज़्यादा ये चल नहीं पा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको ऑफ करते हैं और उसके बाद में इस प्लग को आउट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसका, अगर ये वायर तो सही है दोस्तों, अगर वायर ख़राब होता तो दोस्तों इसमें करंट नहीं आता। और इसका बटन भी अगर सही है दोस्तों, अगर इसका बटन भी अगर ख़राब होता तो इतना ये नहीं चल पाता दोस्तों। तो इतना तक तो समझ गए कि इसका ख़राबी नहीं है दोस्तों, या ये पावर केबल का भी ख़राबी नहीं है दोस्तों। तो इस कंडीशन में इसका कोयल का ख़राबी है क्या? तो कोयल का भी ख़राबी नहीं होगा दोस्तों, इस क्योंकि इसमें रनिंग थोड़ा थोड़ा ला रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका पीछे को ओपन करके देखते हैं, जो बैक साइड है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हैवेल्स का है फैन ओरिजिनल। तो चलिए दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको भी खोल लेते हैं दोस्तों इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, जो कि बहुत ही
गंदा दिख रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर भी रिपेयर कर लेते हैं दोस्तों इसको पहले, क्योंकि इसको धुलने के लिए पानी में धोना पड़ेगा दोस्तों। इस तरह से इसका कैप को भी आप निकाल सकते हैं, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लगाइए, इसमें नट है, इसको इस तरह से घुमाइए, फिर ये ओपन हो जाएगा दोस्तों। किसी किसी में इसका डायरेक्ट भी निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको फाइनली ओपन करने का तरीका देख लीजिए दोस्तों। इसमें इसमें पेच उच नहीं है दोस्तों, ये डायरेक्ट है, इस तरह से नट था दोस्तों। तो इसको चलिए इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसका एक पेच गिर गया दोस्तों, ये लूज होके इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, देखिए जो कि बहुत ही गंदा है दोस्तों। इसको चले दोस्तों इसको साफ करने के लिए एक जगह दूसरे जगह कर देते हैं। देखिए दोस्तों इतनी गंदगी है दोस्तों, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कि इसका कैपेसिटर तो कहीं ख़राब नहीं हुआ दोस्तों। सबसे पहले जो स्लो मोशन घूमने का रीज़न भी एक ये भी हो सकता है दोस्तों। तो चलिए इसको एक बार शॉर्ट कर लेते हैं और इस कैपेसिटर को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इस कैपेसिटर को निकाल लिया है। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए दोस्तों आपको इस बोर्ड का सहारा लेना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरह से। तो चलिए दोस्तों मैं फाइनली इस वाला सॉकेट में मैं एसी है 220 वोल्ट, इसमें डायरेक्ट मैं इस तरह से, ये देखिए दोस्तों इस तरह से कर रहा हूँ। 2-3 सेकंड इसको होल्ड करके रख दीजिए दोस्तों, इसके बाद में इसको निकाल दीजिए। उसके बाद में देखिए इसको इस तरह से टच करके, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा ये है जो कि इतना में चलने के लिए बहुत ही मुश्किल है दोस्तों फैन को। ये देखिए मैं दोबारा लगा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए इस तरह से। इसको करते समय आप सावधानी से करें दोस्तों, ये 220 वोल्ट एसी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है दोस्तों। इस कैपेसिटर का नंबर है दोस्तों, ये देखिए 2.5 mmB का है, 2.50 का है UF का ये कैपेसिटर है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो इस कैपेसिटर को पहले हम लोग दूसरा लगा के देखते हैं क्या हमारा फैन जो रनिंग हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मेरे पास ये है फ़िलहाल, तो इसमें से देख लेते हैं। ये 2. ये 2.25 mmD का है दोस्तों, ये 3.15 का है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारे पास एक 2.50 UF का ये कैपेसिटर है दोस्तों, जो कि इसी फैन में इसी नंबर का लगा हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी को मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। और एक है दोस्तों, ये भी है 3.15 का है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इन तीनों को साइड में रख देते हैं, इस वाला को चेक कर लेते हैं दोस्तों पहले, क्योंकि इसका कनेक्शन को देखते हैं बाद में। इसको पहले चेक कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको एक बार टच करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा ही हुआ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये चार्ज हो चुका है अभी। फिर से लगा के देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जो कि ये स्पार्किंग हो रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये भी कैपेसिटर सही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस पुराना वाला को साइड में रख देते हैं और इस वाला कैपेसिटर को इसमें कनेक्शन कर देते हैं इस तरह से। इसमें प्लस माइनस नहीं होता है दोस्तों, इसको किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं दोस्तों, जो कि आसानी से इसका कनेक्शन भी हो जाता है। ये देखिए दोस्तों इस तरह से। और जो इसका कवर है दोस्तों, इसको भी लगा देते हैं कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसी तरह से। चलिए दोस्तों इस वाला को बाद में लगा लेता हूँ मैं, पहले चेक कर लेते हैं कि इस, ये देखिए दोस्तों,
फैन को सीधी घुमा लेते हैं, चलिए दोस्तों। इस पावर केबल को मैंने एसी 220 वोल्ट में सॉकेट में लगा चुका हूं दोस्तों। तो चलिए इस फैन को पहले चला कर देखते हैं कि ये रनिंग हो पाता है कि नहीं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसका ये है फ्री है दोस्तों, जो कि फैन बिल्कुल जाम नहीं है दोस्तों, इसका बैरिंग सब। तो पहले दोस्तों इस एक नंबर पे टच करके देखते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, ये फैन पूरी तरह से चल चुका है दोस्तों। ये देखिए दूसरा नंबर में लगा देते हैं, देखिए देखिए तो फुल स्पीड में चल रहा है। तीसरे में करते हैं दोस्तों, ये देखिए पूरी तरह से इसका स्पीड बढ़ चुका है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब किसी भी तरह से इसका फैन नहीं रुक रहा है दोस्तों, ये रनिंग हो रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जो कि पूरी तरह से ये रनिंग हो चुका है दोस्तों। इसको चलिए दोस्तों और एक बार इसको फिर से चालू करके देखते हैं होता है कि, देखिए दोस्तों ये हो रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से बन गया है दोस्तों, जो कि इसका खराबी था दोस्तों। इस ढाई MFD का जो ये कैपेसिटर है दोस्तों, जो कि ये वीक हो चुका है दोस्तों, इसी कारण ये नहीं चल रहा है दोस्तों। जो कि मैंने इस कैपेसिटर को चेंज कर दिया हूँ, चेंज करने के बाद में ये फैन पूरी तरह से ये ओके हो चुका है दोस्तों। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं अपने घर पे इसको रिपेयरिंग भी, जो कि आपको कस्टमर को मैं बोल चुका हूँ कि इसको मैं रिपेयरिंग कर दूँगा घर पर ही। इसी तरह से इसको चेंज करके मैंने रिपेयरिंग कर दिया दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लेना, ताकि आने वाला इसी भी तरह वीडियो आपको जल्द मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।